तुम्हारे आने से अंदाजा हो रहा है कि तुमने बालगाय का ठिकाना तलाश कर लिया है। जी बिल्कुल हुजूर, गोपतू बालगाय के साथ है, इंतजार कर रहे हैं हमारे। माशाल्लाह, मेरा शेर। बिल्कुल हुजूर। लेकिन बालगाय होशियार है, हो सकता है कि वो समझ जाए कि गोपतूक हमारे लिए काम कर रहा है। एक भेड़िए को कीदड़ के हाथों नहीं मरना चाहिए। तो चलो फिर रवाना होते हैं। चलो या। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। काई कबीले के बारे में आखिरी फैसला के हाथों करेगा। ये थोड़ा सा खूनी होगा, लेकिन आखिर में मनसब आपके पास होगी दुंदार साहब। आप दुरुस्त हैं आलिशार साहब, दुरुस्त हैं आप। मैं मलिक के बारे में फिक्रमंद हूं। आलिशार साहब, या तो उन पर घात लगाकर हमला नहीं हुआ, या फिर जो मलिक आपका बेहतरीन शिकारी था उनका शिकार बन गया। अगर उन्होंने उसे जोरबा की तरह पकड़ लिया हुआ तो वो हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो फिर मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा। चलो सब, हम जंगल जाएंगे, मिलकर मलिक का सुराग लगाना है। सिपाहियों, चलो उस तरफ जाओ। हुजूर, कोई आ रहा है। लोग अपनी आंखें खुली रखना, उन्हें हमारी इस जगह का इल्म नहीं होना चाहिए। चलो जाओ। क्या सूरत हाल है गोक्तू? बालगाय ने ग्यातु के एक लश्कर को तबाह कर दिया है और अब वो ग्यातु के खिलाफ लड़ने के लिए बाकियों को तैयार कर रहा है। ग्यातु के सुगोत पहुंचने के बाद बालगाय उसे मार देगा। हुजूर, बिल्कुल जैसा आप चाहते थे। इन्हें आपस में लड़वाने का वक्त आ गया है। अब जरा गौर से सुनना। ग्यातु के साथ आने वाला लश्कर बहुत बड़ा है और आपके वफादारों को आपके पास आते हुए दिन लगेंगे। जब ग्यातु आएगा तो मैं पहले उसे काइयों के आगे फेंकूंगा। काई बहुत सख्त है। जब ग्यातु काइयों के साथ लड़कर उस्मान की नस्ल मिटा रहा होगा तो मेरे कमांडर पहुंच जाएंगे और उनको मार डालेंगे। और उस्मान, अगर आपके पीछे भी दुश्मन हो तो सामने के दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है। अब अगर वो मेरे सामने आया तो हमला हमला हो गया। बालकार, मैं यहां तुम्हारी जान लेने नहीं आया। अब मेरी
बात गौर से सुनना। क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगे जिसने तुम्हें तीर मारा? मैं तुम जैसे बहादुर कमांडर का साथ चाहता हूं। जो होना था हो गया, उसे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है, इसीलिए यहां आया हूं मैं। गया तू तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो तुम मुझे आलीशान दोगे और मैं दूंगा कि हाथों। तो इस तरह ये राज राज ही रहेगा। अपने हथियार हटा लो। क्या हम मुट्ठी भर नौकरों के साथ गेहातों के खिलाफ लड़ पाएंगे? मत भूलो ये, मेरे पास भी मुट्ठी भर सिपाही हैं। गेहातू लश्कर के साथ आ रहा है, हम मुट्ठी भर सिपाही रेत से बड़ी चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम दो मुट्ठियों से एक मुट्ठी हो जाए तो गेहातू जरूर खौफजदा हो सकता है। गेहातू की फौज को हम शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मार नहीं सकते। कैसे? जैसा कि चंगेज खान ने कहा, अगर तुर्क लड़ना शुरू हो जाए तो जहन्नम के शैतान को भी पकड़ सकते हैं। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर? तुम साथ हो तो भरोसा है, और हम भी अकेले नहीं होंगे। काई के लोग और बाकी तमाम जुल्म का शिकार कबाइल हमारा साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले आलीशान। अगर हमारा दुश्मन एक ही है तो कोई मसला नहीं हमारे दरमियान। मुझे आलीशान के जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे भी नहीं है। जिस सलजूक तख्त पर गेहातू बैठा है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे अपने कबीले की आजादी चाहिए। तो इस तरह तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गेहातू ने अपने कमांडर के जरिए यह खबर भेजी थी। लो देखो इसे, उसने आलीशार को हुक्म दिया है कि उसके पहुंचने से पहले काइयों की गर्दनें काट दो और तुम्हें सोगोत के चौराहे पर लटका दिया जाए। सोगोत बहुत से गद्दारों के खून से रंगा है, आने तो दो पहले उसे, यहां देखते हैं फिर के कौन किसको लटकाता है। एक बात और, सिर्फ हम दो ही नहीं, मेरे कमांडर गेहातू को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं चंगेज खान के कवानीन भूल गया हूं। वक्त आने पर देखेंगे उसे। तुम पहले गेहातू के तख्त पर बैठ जा और मेरा कबीला आजाद हो जाए, फिर जो दिल चाहे हासिल कर लेना।